आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वेलवेट शॉल डिजाइन जो हमने कस्टमाइज किया अपने क्लाइंट के लिए। तो ये जो डिजाइन है हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं बेसिकली, द वेरी फर्स्ट रीजन इज सो दैट आपको पता चले कि लेटेस्ट कौन से डिजाइन चल रहे हैं, सेकेंडली किस टाइप का कपड़ा आपको इसके लिए चाहिए, कितनी क्वांटिटी का चाहिए और एग्जैक्ट शॉल्स बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग सकती है। थर्ड, हमने यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन भी दिया है इन केस आप ऐसे शॉल्स को कम कॉस्ट में भी बनाना चाहें। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक, बिकॉज विंटर का सीजन है, ये जो शॉल्स है ना सिर्फ आपको वार्मथ देगी बट ऑल्सो आपको एक रॉयल रीगल लुक अचीव करने में भी हेल्प करेगी। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो याद से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो हमने अपलोड किया है हमारे DIY चैनल द क्रिएटिव एडिक्ट में। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर करें। एंड उस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप बहुत इजिली अरेंज किया जा सकता है वो सामान, कैसे आप वो सस्ते सामान से और इजिली अवेलेबल सामान से घर पे अपने लिए चांद बालीज बना सकते हैं। चांद बालीज वेडिंग सीजन में बहुत काम आएंगी आपके, तो क्यों बाहर जाके आपको ज्यादा खर्चा करना जब आप बहुत 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 कम कॉस्ट में अपने लिए घर पे इजिली चांद बालीज बना सकते हैं। सो इस कंप्लीट ट्यूटोरियल पे जो वीडियो है हमारी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। तो सबसे पहले है ये दबका बूबी वेलवेट शॉल। इसमें हमने फैब्रिक कौन सा यूज किया है, इसमें वेलवेट यूज हुई है, बेस फैब्रिक वेलवेट है हमारा और ब्रोकेड हमने यूज किया फॉर बॉर्डर्स। दो टाइप के ब्रोकेड यहाँ पे यूज हुए हैं, एक छोटी बूटी वाला ब्रोकेड है जिसको हमने चारों तरफ लगाया है और एक बड़े मोटिफ वाला ब्रोकेड है जिसे हमने सिर्फ शॉल की विड्थ में एड किया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के कपड़े चाहिए, दो टाइप की ब्रोकेड, एक छोटे डिजाइन में, थोड़े बड़े डिजाइन में, और आपको चाहिए होगा वेलवेट जो आपका बेस फैब्रिक बनेगा। बॉर्डर का साइज हम देख लेते हैं। चारों तरफ ये जो छोटी बूटी का बॉर्डर है ये 2.5 इंच का है, 2.5 इंच की विड्थ का बॉर्डर है चारों तरफ, और जो ब्रॉड बॉर्डर है इसकी विड्थ 6 इंच है। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी रख सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट जो हमने रखे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और बॉर्डर्स को हमने फैब्रिक के ऊपर ही प्लेस किया, उसे एक्सटेंड करके नहीं लगाया, यानी कि बढ़ता हुआ नहीं लगाया, फैब्रिक के ऊपर ही प्लेस करके इस शॉल को बनाया गया है। एम्ब्रॉयडरी इस पे दबका वर्क किया गया, हाथ से किया जाता है दबका वर्क जो कि इसे थोड़ा सा कॉस्ट जो है इसमें ऐड कर देता है। अदर देन दैट इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी बूटियां हैं दबका वर्क की, वो पूरी शॉल पे इवनली स्प्रेड करके बनाई गई है, दैट्स इट। इसको जो हेवियर लुक दे रहा है वो बेसिकली इसका ब्रोकेड का मोटिव दे रहा है। ये जो घनी छोटी बूटी है और बड़ा मोटिव है, ये जो है इसमें एक हेवियर शॉल का लुक इसे दे रहा है। अगर हम इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट देखें, वेलवेट एक्सपेंसिव है, ब्रोकेड्स एक्सपेंसिव है, हैंडवर्क एक्सपेंसिव है, प्लस इसमें हमने मेकिंग ऐड कर दी, तो इन टोटल हमें ये 4500 से 5000 तक पड़ेगा। अब आप इसकी कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये जो आउटफिट्स बनते हैं मेजरली वो डाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट कि उनको स्पेसिफिकली कौन सा कलर चाहिए। तो आप अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डाइंग कॉस्ट को बहुत कट शॉर्ट कर लेंगे। आप फैब्रिक जो ले रहे हैं वो ऑलरेडी डाइड फैब्रिक्स लीजिए, ऑलरेडी डाइड वेलवेट, ऑलरेडी डाइड ब्रोकेड्स, तो आपकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। प्योर फैब्रिक्स मत लीजिए, सेमी प्योर मत लीजिए, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स लीजिए। ब्रोकेड आपको नहीं मिल रहा तो ब्रोकेड लुक अलाइक्स अगर आपको किसी टाइप के मिल रहे हैं आप वो ले सकते हैं सो दैट आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाए। और हैंडवर्क की जगह आप यहाँ पे पैचेस अपने बजट के अकॉर्डिंग पैचेस से ये जो पैटर्न है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है ये लग्जरी वेलवेट शॉल जो हमने बनाई है। पहले मैं आपको बता दूं लग्जरी आउटफिट्स क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, उसमें प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े यूज किए जाते हैं, यानी कि बेस्ट क्वालिटी फैब्रिक्स उसमें होते हैं। सेकेंडली उसमें बहुत ही फाइन डिटेल्स की जाती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें फाइन एम्ब्रॉयडरी है, फाइन सुइंग की गई है, हाथ का काम भी इसमें बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ज्यादा काम है इसमें हाथ का जो काम है, इस वजह से इसमें कॉस्ट ऐड हो जाती है। लग्जरी गार्मेंट्स हमेशा आपको हाई कॉस्ट में ही मिलेंगे। ये जो लग्जरी गार्मेंट्स हैं ये आपको हाई एंड ब्रांड्स पे इसलिए मिलते हैं बिकॉज वही लोग इतना टाइम डिवोट करते हैं किसी एक कपड़े के ऊपर, फैब्रिक्स अच्छी क्वालिटी के यूज करते हैं, डिटेल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सच अ बिग ब्रांड कि हम इसमें एक्स्ट्रा अपनी ब्रांड वैल्यू की कॉस्ट भी ऐड करते। सो इन ओवरऑल ये हमें कंपैरेटिवली काफी सस्ते में हमने इसे तैयार किया एज कम्पेयर टू द अदर लग्जरी गार्मेंट्स जो आपको मार्केट में मिलेंगे जिसमें ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा ऐड हो जाती है। सो अगर आप उनके साथ कंपेयर करेंगे देन यस ये बहुत सस्ता है।
और ये जो एक पॉइंट होता है लग्जरी गार्मेंट्स का कि वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं, वो एक्सट्रीमली नहीं है ये, बट यस इट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू द जो अदर फीचर्स हैं इसमें, अच्छा फैब्रिक है, डिटेल्स हैं, एम्ब्रॉयडरीज हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये एक्सपेंसिव बना है। तो ये लग्जरी शॉल के हम यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। हमने इसमें अगेन वेलवेट को ही यूज किया है, बेस फैब्रिक हमारा वेलवेट शॉल है। तो दो टाइप के ब्रोकेड्स इसमें यूज हुए हैं, एक मरून में, एक ब्लैक में, जो कि बॉर्डर्स में यूज किया गया है। मेटालिक शिमर फैब्रिक इसमें यूज किया गया, अगेन बॉर्डर्स में। सैटिन फैब्रिक इसमें यूज किया गया इसकी बैक की फिनिशिंग देने के लिए, बॉर्डर की बैक साइड पे। नेट इसमें यूज की गई है, ओवरऑल बैक साइड इसकी जो लेयर है एक नेट की लेयर है इस वेलवेट शॉल के पीछे, सो दैट वो जो एम्ब्रॉयडरी है उसके धागे पीछे से भी सिक्योर रहे, कहीं पे फंस के वो निकले नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा केयर की चीजें इसमें ऐड की जाती हैं, एक्स्ट्रा फिनिशिंग्स ऐड की जाती हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक्स ऐड किए जाते हैं, ये फैब्रिक्स भी डिजाइन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाते हैं, डाय करवाए जाते हैं। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रोसेस जो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले जाते हैं चीजों में, तभी ये लग्जरी गार्मेंट्स बनते हैं। तो छह टाइप के कपड़े इस शॉल में यूज हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि दैट्स व्हाई द कॉस्ट इज देयर। एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस पे जरी वर्क किया गया, ऑल ओवर ये जरी वर्क है चारों तरफ बॉर्डर्स पे, हर कोने पे एक कॉर्नर मोटिव इसमें बनाया गया है, वो भी पूरा जरी वर्क से बना है। देन इस पे दबका वर्क किया गया है, देन इस पे हाथ से ही सीक्वन वर्क या सिप्पी वर्क या सितारा वर्क जिसे कहा जाता है वो किया गया है। सो काफी एम्ब्रॉयडरी के प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व थे, एंड ऑल ओवर इसमें कहीं ना कहीं बूटी भी बनाई गई है। तो एम्ब्रॉयडरी से पूरा जो शॉल है इट्स फिल्ड विद एम्ब्रॉयडरी, वो भी हैंड एम्ब्रॉयडरी। फैब्रिक क्वांटिटी कितनी यूज की गई है, हर फैब्रिक की क्वांटिटी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमने कौन कौन से फैब्रिक को यूज किया है। कॉस्ट, इस शॉल की जो कॉस्ट है वो 15,000 से 18,000 के बीच में ऐसी जो शॉल है वो रेडी हो सकती है। अगेन ये जो प्राइसेस हैं ये डिपेंड करते हैं आप कौन से एरिया से बनवा रहे हैं, कौन से एरिया से आप यू नो एम्ब्रॉयडरीज बना रहे हैं, आप फैब्रिक कहाँ से ले रहे हैं, किस टाइप का ले रहे हैं, ये सब्जेक्टिव है। ये जो कॉस्ट है ऐसा परमानेंट कॉस्ट नहीं है कि इतना ही पड़ेगा आपको, इट्स जस्ट बहुत से लोग पूछते हैं हम कितने में ये चीजें तैयार करते हैं, दैट्स व्हाई आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पे आपके साथ कॉस्ट शेयर की है। अगेन इसमें कॉस्ट कटिंग करने के ऑप्शन सेम है आपके, जो पिछली बार जो पिछले शॉल में हमने आपको बताया कि डाइंग का कॉस्ट आप निकाल दीजिए, देन प्योर फैब्रिक से आप निकाल दीजिए। ये जो बैक साइड पे हमने नेट का फिनिशिंग और सैटिन का दिया है इसे आप चेंज कर सकते हैं। बैक फिनिशिंग में आप सैटिन की जगह सिंथेटिक क्रेप को यूज कर सकते हैं, वो आपको कंपैरेटिवली सस्ती पड़ेगी लेकिन शाइन आपको डेफिनेटली देगी। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आप चेंजेस कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी की जगह इंटायर एम्ब्रॉयडरी को निकाल के आप लेसेस के साथ ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं कि चारों तरफ आप एक लेस को यूज कर लीजिए। जरी की लेसेस आपको मार्केट में मिल जाती है वो आप यूज कर सकते हैं, कॉर्नर मोटिव्स के लिए आप पैचेस को यूज कर सकते हैं। सो कॉस्ट कटिंग किस तरीके से करनी है उसके लिए आपको अपना डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, फैब्रिक्स चेंज कीजिए, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। हाँ एग्जैक्ट सेम लुक आप अचीव नहीं कर पाएंगे लेकिन लुक अलाइक्स यानी कि सिमिलर दिखने वाले पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आपको डिजाइन पैटर्न और क्वालिटी वाइज अपना जो आउटफिट है या गारमेंट है उसमें थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आपको सेम एग्जैक्टली बनवाने हैं तो सारे पैटर्न आपके सामने हैं, डिजाइन आपके सामने हैं, फैब्रिक्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, क्वांटिटीज हमने शेयर कर दी हैं, तो आप अपने लिए इजिली ऐसे शॉल्स बनवा सकते हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर अगर आप ब्रोकेड के बॉर्डर्स नहीं यूज करना चाहते तो अगर आपके पास आपकी सिल्क साड़ीज के बॉर्डर्स पड़े हैं, पुरानी सिल्क साड़ी पड़ी है तो उसमें से भी आप अपने इन शॉल्स के बॉर्डर्स बना सकते हैं। और ये पिक्चर हमारे क्लाइंट की, उन्होंने शॉल को पेयर अप किया है अपने वेलवेट सूट के साथ ही, तो सर्दियों में वेलवेट को आप इस तरीके से पहन सकते हैं। ऑल ओवर वेलवेट्स की हमने बात की थी, हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने आपको वेलवेट आउटफिट्स के ऊपर इंटायर वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको ऑल ओवर वेलवेट्स का जिक्र किया था। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ऑल ओवर वेलवेट आप किस तरीके से पहन सकते हैं, वेलवेट कुर्ता के साथ वेलवेट शॉल्स को पेयर अप कर सकते हैं आप।
दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो याद से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।